हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। होप यू ऑल आर सेफ एट होम। आई एम योर मैथ्स टीचर अनु कुमार राठौर फ्रॉम दीप ज्योति स्कूल। आज मैं आपको फोर्थ चैप्टर जो पढ़ा रही थी ना, एडिशन वाला, उसका लास्ट पार्ट पढ़ाऊंगी, पार्ट सी, जिसमें आपको ये चैप्टर से रिलेटेड जो क्वेश्चन है, वर्ड प्रॉब्लम्स वाले, एडिशन वाले क्वेश्चन है, वो बता दूंगी। उससे हमारा क्या हो गया, ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और जल्दी आपका टेस्ट ले लिया जाएगा। इसलिए सभी बच्चे आज के वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखेंगे ताकि आप टेस्ट दे पाए। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें देखो कौन सा चैप्टर है अपना, चैप्टर 4। एक्सरसाइज कौन सी है, 4.4। कौन सी एक्सरसाइज है आपकी, 4.4। उसके बाद आप देखेंगे इसका 9 नंबर क्वेश्चन। कुछ सम्स मैंने बता दिए थे ना आपको, और अब कुछ मैं बता रही हूँ। तो अब देखिए आप इसमें, इसमें देखेंगे, इसमें है 9 नंबर में क्वेश्चन। देखो, देयर आर 62,345 बैग्स ऑफ राइस एंड 54,327 ऑफ व्हीट इन ए गोदाम। फाइंड द टोटल नंबर्स ऑफ बैग्स इन द गोदाम। अब गोदाम में कितने राइस के कितने बैग हैं, 62,345, और वीट के कितने हैं, गेहूं के कितने हैं, 54,324। तो इसमें लिखेंगे बैग्स ऑफ राइस सिक्सटी टू थाउजेंड थ्री हंड्रेड फोर्टी फाइव। सेकेंड है आपके बैग्स ऑफ वीट, वेट कितने हैं आपके, हैं ये 54,327। अब ये क्या पूछ रहा है आपको, टोटल पूछ रहा है। ठीक है, इसमें क्या पूछा जा रहा है आपसे, टोटल पूछा जा रहा है कि टोटल बैग्स इन द गोदाम, टोटल बैग्स। तो ऐड हो जाएंगे 5 और 7, 12, 12 का 2, 1 कैरी, 1 और 4, 5, 5 और 2, 7, 3, 3, 6, 4 और 2, 6, 6 और 5, 11। तो 1,16,672 बैग्स। इसके बाद आपका 9 के बाद 10 में भी क्या है, एडिशन है, उसमें भी देयर आर 62,364 मैन है, 82,468 वुमेन एंड 91,234 चिल्ड्रंस है। तो अब टोटल पॉपुलेशन बतानी है, तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन करवाया था सेम टू सेम वैसा ही है 10 नंबर। उसके बाद में 11 नंबर में भी एडिशन है कि फर्स्ट वीक में कितना दूध जाता है, सेकंड वीक में कितना जाता है और थर्ड वीक में कितना सेल होता है। 12 नंबर देख लीजिए, ये वैसे सारों में एडिशन है लेकिन फिर भी आप 12 नंबर देख लीजिए इसका। इन ए फील्ड देर आर 12,645 प्लांट्स ऑफ वीट एंड 23,468 प्लांट्स ऑफ मस्टर्ड। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स इन द फील्ड। तो सबसे पहले लिखेंगे किसके हैं प्लांट्स ऑफ वीट, गेहूं के पौधे, प्लांट्स ऑफ वीट कितने हैं आपके, 12,645। फिर प्लांट्स ऑफ मस्टर्ड, सरसों के, मस्टर्ड सरसों के कितने हैं, 23,468। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स। तो टोटल पूछा है तो प्लस होगा, टोटल प्लांट्स। फाइव और एट, 13 का 3, 1 कैरी, 1 और 4, 5, 5 और 6, 11, 11 का 1, 1 कैरी, 1 और 6, 7, 7 और 4, 11, 11 का 1, 1 कैरी, 1 और 2, 3, 3 और 3, 6, 1 और 2, 3। तो 3
36,113 प्लांट्स, ठीक है। उसके बाद आप इसमें करेंगे 13 नंबर में भी मैंगोज फ्रूट्स दे रखे हैं आपको, नंबर ऑफ फ्रूट्स दे रखे हैं। मैंगोज इज इक्वल टू कितना लिखोगे, 36,450। बनानाज इज इक्वल टू 14,623 और गवावाज इज इक्वल टू 23,456। टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स इज इक्वल टू, तीनों को प्लस कर देंगे और आपका क्या आ जाएगा, इसमें एडिशन आ जाएगा और टोटल फ्रूट्स आ जाएंगे। फोर्थ वाला भी ऐसे ही है, 14 वाला भी ऐसे ही है। इसमें क्या है, फोर पीसेज ऑफ लैंड, चार टुकड़े किए गए हैं जमीन के और उसमें क्या क्या उगाया गया है, ठीक है, वो बताया गया है। इसमें फ्रॉम ईच ही गॉट, उससे जमीन से कितने कितने गेहूं मिलते हैं एक एक भाग से, वो बताया गया है। टोटल आपको वेट पूछा गया है, तो इसमें भी एडिशन हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। इन द म्यूनसिपल इलेक्शन ऑफ ए सिटी देयर वर थ्री कैंडिडेट्स इन ए वार्ड, एक वार्ड में थ्री कैंडिडेट्स हैं और वो कितने कितने वोट उनको मिलते हैं और टोटल वोट कितने हैं वो बताने हैं। तो फर्स्ट कैंडिडेट गॉट वोट्स, 15 नंबर क्वेश्चन है आपका। फर्स्ट कैंडिडेट्स कैंडिडेट गॉट वोट, गोट वोट्स कितने वोट हैं इसके आपके, कितने हैं ये 3,017, ठीक है। उसके बाद सेकंड कैंडिडेट गोट वोट्स कितने हैं, 2,063। थर्ड कैंडिडेट गॉट वोट्स इज इक्वल टू कितने वोट हैं, 2,428, 2,428। तो टोटल वोट पूछ रहे वो, टोटल वोट्स वर इन दैट वार्ड, इस वार्ड में कितने वोट हैं कुल, तो टोटल वोट्स, टोटल वोट पूछ रहे वो, तो टोटल वोट आप बताएंगे इसमें तो प्लस करेंगे, ठीक है। टोटल वोट के लिए हम क्या करेंगे, इसमें प्लस करेंगे, प्लस में आप देखेंगे आप 7 और 3 कितने हो गए, 10, 10 और 8, 18, 18 का 8 1 कैरी, 1 और 1 2, 2 और 6 8, 8 और 2 10, 10 का 0 1 कैरी, 1 0 1 और फिर 1 और 0 1, 1 और 4 5, 3 और 2 5, 5 और 2 7, तो 7,508 टोटल वोट्स हैं, ठीक है ना। उसके बाद आप देखेंगे इसका 16 नंबर क्वेश्चन। मिसेस कुमार बॉट ए स्कूटी 4,50,600 एंड ए नेकलेस 4,26,260। फाइंड द टोटल अमाउंट सी स्पेंड ऑन स्कूटी एंड नेकलेस, तो आप लिखेंगे कॉस्ट ऑफ स्कूटी, ठीक है ना, कि किसकी क्या कीमत है, उन दोनों की कीमत को क्या कर दिया जाएगा, टोटल कर दिया जाएगा और उससे आपको क्या पता चल जाएगा, उनका कॉस्ट पता चल जाएगी, टोटल जो उसने खर्च किए हैं मिसेस कुमार ने वो पता चल जाएगा। तो इसमें फर्स्ट लिखेंगे अपन कौन सा नंबर क्वेश्चन है, 16, 16 में कॉस्ट ऑफ स्कूटी, कितना है 50,600। कॉस्ट ऑफ नेकलेस कितना है 26,260 प्लस टोटल स्पेंट, टोटल स्पेंड कितना खर्च किया था, टोटल 0, 0, 0, 0 में 6 ऐड किया 6, 6 में 2 ऐड किया 8, 0 में 6 ऐड किया 6, 5 में 2 ऐड किया 7,
किसी भी नंबर में जीरो ऐड करते हैं तो एज इट इज नंबर रहता है। जैसे ये जीरो जीरो है तो जीरो ही आएगा, जीरो में सिक्स ऐड किया तो सिक्स आएगा। उसके बाद आप देखिए 16 के बाद 18 नंबर क्वेश्चन, 17 में भी क्या है आपके एडिशन ही है, ठीक है। 17 में देखिए आप, 17 में भी एडिशन है, 17 नहीं 18, 18 नंबर में देखिए। इन ए लाइब्रेरी देयर आर 14,356 मैथमेटिक्स बुक्स, 24,318 इंग्लिश बुक्स एंड 19,864 साइंस बुक्स। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ बुक्स इन द लाइब्रेरी। वो अब थ्री डिजिट वाले हैं कि थ्री नंबर्स हैं जिनको ऐड करना है। तो अब हम करेंगे इसमें नंबर ऑफ मैथमेटिक्स बुक, या ओनली मैथमेटिक्स बुक्स लिख दो, मैथमेटिक्स यानी गणित, मैथमेटिक्स बुक, मैथमेटिक्स बुक्स कितनी है 14,356। फिर उसके बाद इंग्लिश बुक्स, इंग्लिश बुक्स, इंग्लिश बुक्स कितनी है 24,318। फिर उसके बाद साइंस बुक्स, साइंस बुक्स, साइंस बुक्स कितनी है आपके 19,864। अब क्या पूछ रहा है टोटल बुक्स, अब इनको क्या कर दें, हाँ हम सबको प्लस कर देंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इनको सबको प्लस करेंगे। सिक्स और एट कितने हो गए 14, 14 और 4 18, 18 का 8 1 कैरी। 1 और 5 कितने हो गए 6, 6 और 1 7, 7 और 6 कितने हो गए 13, 13 का 3 1 कैरी। 1 और 3 4, 4 और 3 7, 7 और 8 15, 15 का 5 1 कैरी। 1 और 4 5, 5 और 4 9, 9 और 9 18, 18 का 8 1 कैरी। 1 और 1 2, 2 और 2 4, 4 और 1 5, 58,538। उसके बाद 19 में भी एडिशन है आपका, और उसमें क्या दिया है द डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज 63,444। इफ द स्मॉलर नंबर ये दिए, बिगर नंबर पता करना है तो दोनों को ऐड करना है। उसके बाद आप देखेंगे 20 नंबर, क्योंकि इसके जैसा ही मैंने 6 नंबर क्वेश्चन करवाया है वो सेम टू सेम ही है, ठीक है। 19 और 6 एक जैसा है, आप 20 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 20 में इन एन एग्जामिनेशन 53,208 कैंडिडेट्स पास्ड, विल 23,648 कैंडिडेट्स फेल्ड, हाउ मैनी कैंडिडेट्स अपियर्ड फॉर द एग्जामिनेशन। वो कह रहा है कि एक एग्जाम हुआ जिसमें कितने कैंडिडेट पास हुए 53,208, और कितने फेल हुए 23,648। तो टोटल कितने बच्चे बैठे थे उस, कितने कैंडिडेट उस एग्जाम में बैठे थे, ठीक है। तो अब आप लिखेंगे कैंडिडेट्स पास्ड, कैंडिडेट्स पास्ड कितने पास हुए 53,208 कैंडिडेट्स, 23,648 टोटल कैंडिडेट्स प्लस होगा, कैंडिडेट्स कितने कैंडिडेट्स हैं 8 और 8 16, 16 का 6 1 कैरी। 1 और 4 5, 2 और 6 8, 3 और 3 6, 5 और 2 7। तो 76,856 कैंडिडेट्स क्या हो गए इसमें बैठे थे एग्जाम में। 21 में वही, इसमें लेंथ ब्रिथ और हाइट दे रखी है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी है, और उस रूम की आपको क्या पता करना है डायमेंशन की, उसका पूरे की डायमेंशन क्या है, ठीक है। तो
टोटल उनका पूछा है तो आप प्लस कर दें। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, सोहिनी बोट 32,850, आप लिखेंगे इसमें सोहिनी बोट बनानास। कितने बनाना खरीदे उसने, कितने बनाना खरीदे, 32,850। फिर उसके बाद सोनी बोट मैंगोज, बोट मैंगोज, कितने मैंगो हैं, 63,248। अब टोटल फ्रूट फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स सोहिनी हैज, उसके बाद किस कितने खरीद के लाइए टोटल फ्रूट्स कुल फल प्लस 0, 8, 8, 5 और 4, 9, 8 और 2, 10, 1 कैरी, 1 और 2, 3, 3 और 3, 6, 3 और 6, 9। तो 96,098 फ्रूट्स सोहिनी खरीद के लाइए। अब आपका देखिए 25 नंबर क्वेश्चन, वो थोड़ा सा चेंज है तो 25 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए आप। 25 वाले में देखेंगे आप, द डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज 25,600, इफ द ग्रेटर नंबर इज 72,685, फाइंड द स्मॉलर नंबर। आपको इसमें क्या करना है, इसमें आपके थोड़ा सा चेंज दिया हुआ है कि आप देखो, छोटे नंबर से बताती हूँ, डिफरेंस ऑफ टू नंबर क्या आ गया, टू आ गया, ठीक है। उसके बाद वो ग्रेटर नंबर बता रहा है, एट बता रहा है, तो अब वो क्या पूछ रहा है इसमें, स्मॉलर बता रहा, स्मॉलर पूछ रहा है, तो आप जो ग्रेटर नंबर है उसे तो ऊपर रखेंगे और जो डिफरेंस है उसे नीचे रखेंगे, और आप स्मॉलर नंबर तो पता चल जाएगा ना आपको, एट और टू कितने हो गए, एट में से टू लेस किया सिक्स, है ना, तो सिक्स और टू को ऐड किया तो एट। इस तरह से आपको पता चलेगा, ग्रेटर नंबर बता रखा है एट, डिफरेंस बता रखा है टू, और स्मॉलर पूछे तो कितना आ जाएगा, सिक्स, क्योंकि एट और टू कितने हो जाएंगे, टेन। इस तरह से ये क्वेश्चन हो जाएगा आपका, एक ये ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आपके सब्ट्रैक्शन होगा, ठीक है। तो अब आप लिखेंगे इसे ग्रेटर नंबर, सभी एडिशन है इसमें, ये क्वेश्चन दे दिया आपको ओनली सब्ट्रैक्शन का, ग्रेटर नंबर, ग्रेटर नंबर क्या है आपका 72,685। उसके बाद डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स, ऑफ टू नंबर्स कितना है 25,600, स्मॉलर नंबर। फाइव में से जीरो फाइव, एट में से जीरो एट, सिक्स में से सिक्स लेस किया जीरो, टू में से फाइव लेस नहीं हो सकता तो ये इससे बोरो लेगा, सेवन कैंसिल होकर सिक्स हो जाएगा, ये ट्वेल्व हो जाएगा, ट्वेल्व में से फाइव लेस किया सेवन, सिक्स में से टू लेस किया फोर। तो इस तरह से ये आपकी एक्सरसाइज हो जाएगी। ऐसे ही इसके बाद के जो क्वेश्चन है, 32 तक क्वेश्चन है, सब में एडिशन है, ठीक है। तो सभी बच्चे बहुत ही ध्यान से इन क्वेश्चनों को करेंगे, और फिर भी आपको किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो आप लिखकर व्हाट्सअप कर दें, मैं आपको बता दूंगी। थैंक यू।